हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मस्त फैमिली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? आप सब भी अच्छे होंगे। सर्दी कैसी हो रही है वो भी बताइए। आज तो हमारे यहाँ रिकॉर्ड तोड़ सर्दी हो रही है, पूरे इसमें कोहरा ही कोहरा हो रहा है। और अभी टाइम 10 बज चुके हैं पर कोहरा अभी भी इतना है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और अभी तैयारी हो रही है ये मुरादाबाद जाने के लिए सारी तैयारी करके पहले ही रख लेंगे, क्योंकि फिर गाड़ी आ जाएगी। गाड़ी दीदी के यहाँ से आएगी, बड़ी जीजी जाएंगी वहीं से आएगी गाड़ी भी। मम्मी मट्ठा कर रही थी बोतल में, 2 बोतल भर चुकी हैं और एक आधी बोतल और भर जाएगी मट्ठे की। ताज़ा ही मट्ठा है आज का। तो अभी फिर दूध भी घालना है मम्मी को बोतल में, दो बोतल में दूध कर देंगी। दूध हमने सवेरे सवेरे उबाल लिया था ताकि ठंडा हो सके। तो मम्मी तो लगी हुई हैं, जो जो सामान जाएगा उसी को रखने में लग रही हैं, कभी एक आध भूल जाएँ तो। सवेरे से लग गई है मम्मी, अभी बहुत सारा सामान रखना है, मावा भी रखना है, कभी कुछ भूल ही जाएँ तो। सवेरे से मम्मी इसी काम में लग गई थी और काम हम कर लेंगे। खाना बनाना है अभी, जीजी भी यहीं पे। जीजी ने भी सवेरे फ़ोन कर दिया था कि हमारा भी खाना बना लेना, हमें तो यहाँ से निकलने में लेट हो जाएगा और काम ही बहुत है तो खाना बनाने में और देर हो जाएगी। तो उनका खाना भी यहीं पर हो जाएगा। और अभी सारी तैयारी हो चुकी है, यहाँ पर सारा सामान रखा हुआ है ले जाने का। दीदी तैयार हो रही हैं, बच्चे सारे तैयार हो चुके हैं, वो नीचे जा चुके हैं तैयार होके। हमारे नंदलाल जी भी जा रहे हैं, वो भी रेडी हैं। अभी आई हैं जीजी हमारी, और खाना वैसे हमने तो खा लिया, बस अभी ये आ गई हैं, ये भी खा लेंगे गरम गरम और फिर ये निकल जाएंगे मुरादाबाद के लिए। मम्मी नमस्ते, नमस्ते। नाक पर क्या हो रहा है? तो अभी सबने खा लिया है खाना, छुटकी ने भी। कनु रह रही थी, कनु के लिए बन रहे हैं रोटी का डोसा, क्योंकि उसे ऐसे ही पसंद है। जीजी बना रही है उनके लिए और जीजी रह रही हैं अभी खाए बिना। और ये कनु के लिए बना के पहले फिर जीजी खा लेंगी। मैं रोटी बना रही थी गरम गरम, फिर पहले बीच में जीजी लग गई थी कनु के लिए रोटी का डोसा बनाने के लिए। कह रही थी कि सर्दी सर्दी ऐसे ही खाती हैं ये दोनों बहनें, रोटी में फोल्ड करके सब्जी भर के और ऐसे ही खाती हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ऐसे। मैंने भी ट्राई किया था एक बार, बहुत टेस्टी लगती हैं, ऐसा लगता है जैसे डोसा ही खा लिया हो। तो आप भी आ जाइए, गरम गरम डोसा तैयार है रोटी का, आप सब भी खा लीजिए गरम गरम, बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में भी। यो तो मेरी है, मैं खा लूंगी। तो अभी हमारी सारी फैमिली खाना खाने के बाद जाने की तैयारी में है। अब पता नहीं कैसे कैसे बैठे हैं गाड़ी में। वैसे मेरा भी जाने का इरादा था पर गाड़ी में इतनी जगह ही नहीं है, फिर मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने तो कही है हाँ, कुछ और बैठे तो टांगो दूसरों के सिर पर रखोगे पैर, चलेगा बैठेगा मेरे खा जाएगी। मम्मी अपना बैठा देगी। जल्दी बैठेंगे कुछ रखा जल्दी ठीक है। क्या बैठो ध्यान कभी कोई सब नहीं चल रहा है। हेलो जी,
तो जब से बच्चे गए हैं तब से अभी फुर्सत क्या, अभी नीचे आई हूँ दूध निकलवाने के लिए। 5 बज चुके हैं, वो भी जा चुके हैं। मैंने फ़ोन करके पूछा था, वो भी अभी अभी पहुँचे हैं। तो मैं मम्मी की हेल्प करवाने के लिए आ गई हूँ नीचे, और अभी दिखाएंगे आप सबको वहाँ का भी। साइड में देख लो भाई क्या हालत है हमारी जाने वालों की। रुक जा, मुंह से भर दिया अपनी साइड में, दबा के परे को हो गया हल्की जी। कंबल देख लो भैया कैसे रखे, चल हां कंबल दिखा देना और चल करो। इसको बताइए लग गया वो मॉडल बजे चल दिखा दो, चल चल मोड़ ले। क्या तो मैं बनाती, तेरा काम नहीं डंका आ रहा है रोज मुंह की आ रही है। लाला जी तो अपने पर्सनल सीट चला पहले ही था। अच्छा जी कौन है ये मकान नमस्ते जी कर दो कुछ करो उतर के चली आई। मेरे हाथ में कान्हा जी नहीं थी, इन्हें ही रखे उस पे। क्या कान्हा जी उस पे रखे रह गए थे, फिर मैंने उठा के लेंगे कान्हा जी तो अरे हम बैठना रहे, बैठे बैठे आ रहे हम घूम ले पा कट रहे अकड़ गए। हम ये कान्हा जी किसके बैठे, भाभी के थारी मारे को भी यहीं बैठा दो। नाश्ते पानी में दिखा दे हम अपनी वीडियो में क्या बड़ा भी बढ़िया लगा है। हलवा हलवा भी तो था ये थोड़ी देर वो तो हम थोड़ा थोड़ा सा लाए लेकिन कोई बात नहीं नहीं हां बोला तो पूरा फिर से हम चले नहीं भूख लग रही होगी हलवे का हां हलवा बनाना खा का हां। खाओ जाओ तुम। मानविक तो आते ही खेलने में लग गया है अपने बाबा जी के साथ में, और साइकिल चला रहे हैं बच्चे सारे टहल रहे हैं अभी, क्योंकि बैठ के इतनी दूर गए हैं थक चुके हैं, तो अभी खुला खुला सा महसूस कर रहे हैं घूमने में। और सब वहीं पे हैं, सामने बहुत सारी जगह है खुली हुई, ऐसा नहीं है कि भीड़ भड़ाका है, तो काफ़ी खुली हुई जगह पड़ी हुई है मकान के सामने भी। और बच्चों के खेलने के लिए भी वैसे इतना वो नहीं है, रोड इतनी नहीं चलती यहाँ पर कि डर है किसी चीज़ का, और बच्चे आराम से खेल रहे हैं सारे बाहर। चाय नाश्ता भी तैयार है, तब तक ये थोड़ी देर खेल लेंगे, उसके बाद सब चाय नाश्ता कर लेंगे। अभी बाहर धूप में खड़े हुए थे क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है वहाँ पे भी। और देखिए कहाँ तक जा रहे हैं बच्चे साइकिल लेके। अब तो मानविक का ध्यान भी यही रख लेंगे, इसके जो बड़े बड़े बहन भाई हैं वो इसके पीछे पीछे रहेंगे अब 2 दिन तक, खूब इन्जॉय करेंगे, खूब सारी मस्ती होगी, और मानविक का भी बहुत मन लगता है बच्चों को देख के। Yeah.
इधर तो देख लो एक बार। हेलो करो। हेलो। नमस्ते जी। नमस्ते जी। हेलो फ्रेंड्स। कैसे? वेलकम टू माय चैनल। बता दो कल मेरा बर्थडे है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ऐसे बोलता है। आओ आओ, सब लोग को आना है। ठंडी हो जाएगी, जल्दी खा लो। बोल लो। चाय नाश्ते के बाद अभी देखी जा रही है एल्बम। एल्बम वहीं पे चली गई थी। तो आप सब कह भी रहे थे कि एल्बम की वीडियो बनाना। अभी मुरादाबाद जा चुकी है, जब वो आ जाएगी तब अच्छे से आप सबके साथ में भी शेयर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये देख रही हैं दीदी और पारुल जो मेरी देवरानी है, वो भी सब देख रहे हैं। फिर तो इन्हें टाइम ही नहीं मिलेगा क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो जाएगा। अभी बैठ के देख लेंगे थोड़ी बहुत देर के लिए, क्योंकि जब एल्बम आ जाती है ना तो सभी का मन करता है कि बस एकदम एल्बम ही देख लें। इनका भी मन कर रहा था, जब इन्हें पता चला कि एल्बम आ चुकी है तो ये कहने लगे एल्बम भी लेते आना, हम भी देख लेंगे। तो फिर वहीं चले गए। तो अभी आप सब भी जल्दी जल्दी देख लीजिए, फिर आप सबको अच्छे से फुर्सत में दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल तो ऐसे ही दिखाई जा रही है वहाँ पे। वैसे मुझे लग रहा है कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भी बहुत अच्छी लगेगी, प्यारी लगेगी, आप सबको पसंद आएगी। हमारे कान्हा जी भी यहीं पे बैठे हुए हैं। अगर वीडियो आप सबको पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, बाद में आप सब भूल जाओगे, याद से लाइक करें ज़रूर वीडियो को। सारे बच्चे कंबल में घुस रहे हैं, नीचे बैठे हैं सारे। यहाँ इन्होंने एलईडी चला रखी है, हम यहाँ बैठे हैं सब। गोपाल जी बैठे हैं, कन्नू जी बैठे। यहाँ से स्टार्टिंग है और ये नीचे वाला रूम है। इस रूम में यहाँ पापा जी बैठे हैं और जीजू बैठे हैं, बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये वॉशरूम है और इधर ऊपर जाने का जीना है। ये और ये सीधा रूम है, बेडरूम। इधर इधर ये वॉशरूम है, यहाँ पर इधर ये वॉश बेसन है, बेडरूम है, इधर बच्चे बैठे हैं एलईडी देख रहे हैं। ये
ये रूम में ही अलमारी है, इधर ये छोटी सेप रखी हुई है, ये वाले कर्टेन हैं, रूम से इधर एकदम किचन बनी हुई है, इधर फ्रिज रखा हुआ है और ये किचन है। यहाँ पे खाना बनने लग रहा है शाम का। शाम के खाने में है उड़द की दाल और एक इसमें बन रही है आलू टमाटर की सब्जी। किचन से इधर ही एक छोटा रूम और है, इधर ड्राइंग रूम। यहाँ पर ये हमारे बैग रखे हुए हैं और जो हम सामान लेकर के आए हैं, ठीक है। और ये वाले कर्टेन हैं, ऊपर तो लाइट कई जनों की लगी शतरंगी। अच्छा जी, और ये ऊपर, और इधर यहाँ पर कूलर रखा हुआ है। मंदिर दिखा दिया क्या? इधर ये हमारे बिस्तरे रखे हुए हैं जो हमको रात को ओढ़ के सोने हैं, और यहाँ पर मशीन रखी हुई है ऊपर। सतरंगी लाइट, इधर देख सतरंगी लाइट। इधर ये यहाँ ऊपर लाइट लगी हुई है। ये बाहर का व्यू नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत कोहरा हो रहा है, कोहरा बहुत पड़ रहा है। बस ये ऊपर का गेट है। लाइट बंद कर दो सारी। यहाँ पर तो जड्डा लग रहा है बहुत, नीचे चलते हैं। यहाँ पर मंदिर रखा हुआ है इधर। तो कैसा लगा हमारे भैया का घर, यानी कि हमारा घर दूसरा, कैसा लगा आपको बताना जरूर कमेंट करके। बहुत मन लग रहा है। और यहाँ पर जब मूड बना रहा है, जब बिना मूड के नहीं मुझे नहीं पता था। मैं आया बाहर से, चौतरे की बात थी, मैं नाक कूद गया था। पापा जी, पापा आज तो मस्तान ने एक लड़के कान पर काट लिया, सब खून निकल गया। कहने लगा तेरे तेरे लंदा खुद बताने लग रहा। अरे एक वो शायद कौन आली मास्टर। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मस्त खाने व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गुड नाइट हो रही है। तो अभी 9 बज चुके हैं, मैं यहाँ बैठ के मावा निकाल रही हूँ। लेट हो गया आज, वैसे भी कुछ काम तो जल्दी ख़त्म हो गया था, हमने सोचा मावा भी निकाले थे, थोड़ा सा भी दिन में तो ऐसे ही टाइम मिलता है। और आज बच्चे भी नहीं हैं, घर पूरा खाली खाली है, आज तो शांत पड़ा हुआ है बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि घर में कोई नहीं है, सारे बच्चे गए हैं बर्थडे पार्टी में अपने चाचा जी के वहाँ मुरादाबाद में। तो हमारे सबसे छोटे बेटे का बर्थडे है, देवर का बेटा है मेरा मानविक, आपने देखा भी होगा, उसका बर्थडे है और उसी में गए हैं, वो है कल। तो आज तो मन भी नहीं लग रहा घर में बिल्कुल भी, ना ही बच्चे हैं, ना अंतिम दीदी हैं, वो भी गई हैं। और मैं निकाल रही हूँ अभी मावा, बस निकलने वाला है, अब तो थोड़ी कमी रह रही है। 9 अभी तक बजे नहीं है, 9:15 बजे हैं, 9 बजे तक निकल जाएगा, उसके बाद लेट जाएंगे बस। तो आप लोग वीडियो बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद।
और हाँ एक कमेंट आ रहा है मुझे, दो बार आ चुका है कि आपकी जेठानी अपने बच्चों को नहीं लेगी मायके में, वो अपने मामा के यहाँ क्यों नहीं गए। तो देखिए वो पहले से ही नहीं जाते अपने मामा के यहाँ, ज़्यादातर यहीं पे रहते हैं और ना उनका अपने मामा के यहाँ पे मन लगता है, इसी वजह से वो शुरू से ही नहीं जाते, छोटे छोटे से ही गए होंगे, कभी बहुत ही कम गए हैं पहले से ही। बुआ जी के साथ ज़्यादा लगाव है उनका, उन्हीं के साथ में ज़्यादा रहते हैं वो, अंतिम दीदी के आपने देखा भी होगा उन्हीं के पास लेटते हैं रात को भी, वहीं सोते हैं अपनी बुआ जी के पास में ही, तो उन्हीं का ज़्यादा वो करते हैं। उन्हें अपनी मम्मी की भी याद नहीं आती, जब वो चली जाती हैं तो याद भी नहीं करते हो, क्योंकि हम पहले से अपनी बुआ जी के साथ ही रहे हैं और उन्हीं के पास लेटते हैं रात को भी। और मामा के यहाँ तो बहुत ही कम गए हैं, वो छोटे से ही गए हैं। तो चलिए मैंने सोचा चलिए इसका भी जवाब दे देते हैं, आप फिर पूछोगे कहोगे कि दीदी तो जवाब देती नहीं, हम पूछते रहते हैं। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर लेती हूँ, अगर आप सबको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी, और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो आएगी कल, तो इसे लास्ट तक देखिएगा, देखना मत भूलिएगा, और आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी, तो आप सब सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। तो चलिए अभी चलते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए।